आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। चीन कुछ महीने पहले तक रूसी तेल के दाम पर अपनी इकोनॉमी में अपनी जान फूंक रहा था, तो उसे अब इस मोर्चे पर भारत से तगड़ी टक्कर मिल रही है। बदले हालात में भारत ने रूस के पूर्वी हिस्से से तेल की खरीद बढ़ा दी। तेल का ये ग्रेड आमतौर पर चीन की ऑयल रिफाइनर्स के खासा अनुकूल है। रूस से ESPO ऑयल लेकर 4 जहाज तेजी से भारत की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें से 2 टैंकर पूर्वी तट पर स्थित पारादीप पोर्ट की ओर आ रहे हैं। पारादीप पोर्ट पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की एक रिफाइनरी संचालित होती है। बता दें, इस संबंध में सरकार के स्वामित्व वाली इंडियन ऑयल ने कोई टिप्पणी नहीं की है। सामान्य रूप से रूस के लोडिंग पोर्ट को जिम्मो से लंबी दूरी के चलते वहां से व्यापार भारतीय खरीदारों के लिए आकर्षक नहीं रहा और ESOP क्रूड कार्गो आमतौर पर अफ्रामैक्स विजुअल्स से सप्लाई किया जाता है। ये विजुअल कम मात्रा में तेल ले जाते हैं। हालांकि ट्रेडर्स के मुताबिक खाड़ी देशों और वेस्ट अफ्रीका की तुलना में कम कीमत पर दूसरे ग्रेड का तेल मिलने से खरीदार इसकी ओर आकर्षित हुए हैं। वहीं ESPO के कार्गो चीन तक लगभग 5 दिन में भेजे जा सकते हैं और अब भारत के रिफाइनर्स भी बड़ी मात्रा में रूसी तेल की खरीद कर रहे हैं, जिसने अब वेस्ट अफ्रीका और ब्राजील जैसे दूसरे सप्लायर्स की जगह ले ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।